अलीगढ़ में कुछ दिन पूर्व शराब से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन अब जाग उठा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मथुरा में शराब की दुकानों पर अब चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर शराब की दुकानों की चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर से उनका मिलान भी किया गया। में शराब माफियाओं पर जबरदस्त शिकंजे की कार्रवाई की जा रही है। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि मथुरा जनपद में इस वक्त शराब की तस्करी एवं अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियां काफ़ी संख्या में पकड़ी जा रही हैं, जिसके चलते जनपद के सभी अंग्रेज शराब और देसी शराब एवं बियर की दुकानों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें जिले के आला अधिकारियों समेत मंडल के अधिकारी भी चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान दुकान में रखे हुए माल के स्टॉक रजिस्टर से लेकर शराब की एक एक बोतल का निरीक्षण बड़ी बारीकी से किया जा रहा है। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड को लेकर सूबे के मुखिया के द्वारा सभी जिले के जिलाधिकारियों एवं मंडल के कमिश्नर को आदेश दिए गए थे कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वे स्वयं चेकिंग करें और नशीली शराब बनाने वाले ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। उच्चाधिकारियों द्वारा जो मंडल स्तरीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी उनके द्वारा दुकानों की चेकिंग की जा रही है। अलीगढ़ को जो घटना हुई उसके बाद देखते हुए सभी दुकानों का अटेंडम चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ पाया गया? अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई है, इसको कोई संदिग्ध हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो, कोई बहुत बड़ी अनियमितता हमें अभी तक नहीं पाई है कहीं से भी।